हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये गोल शेप में बहुत ही प्यारा सा झालर के साथ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी आसानी से इसे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ब्लू कलर का यूज किया है अंदर, और बाहर लगाएंगे हम वाइट कलर। जो भी कलर से फ्रेंड्स आप कली बनाओ, उसी कलर से आपने फंदे डालने हैं। और ये देखिए, मेरे पास पतली ऊन थी तो मैंने इसको डबल किया है। और इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 9 नंबर के निरल्स का मैंने इसमें यूज किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डाल लेंगे। फंदे में बिल्कुल ही सिंपल तरीके के आपको बताऊँगी, बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही आसान तरीके के फंदे हैं। बाकी जिसको जैसे डालने आते हैं वैसे आप डाल सकते हो। ये देखिए, फर्स्ट एक हमने इसमें नोट लगा ली, इतनी आप लूज रखना है इसको। अब देखिए, ऐसे आपने लेफ्ट हैंड में थ्रेड को पकड़ना है और इस तरीके से हम इसमें ऐसे फंदे डालेंगे। ये देखिए, 2, ध्यान से देखिए, 3, 4, ये देखिए, इस तरीके से इसमें आपने फंदे डालने हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं इसमें 42 फंदे डाल लेती हूँ। ये डिज़ाइन पहले भी फ्रेंड्स मैंने बनाया था, लेकिन वो मैंने कम फंदे का बनाया था। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम हमें 40 या 42 फंदे से इस डिज़ाइन को बना के दिखाइए। तो मैं इसमें 42 फंदे इसमें मैं डाल लूँगी, उसके बाद हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स मैंने 42 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं, 42 फंदे। और फर्स्ट रो से ही हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग से ही मैं इसमें, ये देखिए, 1 और ये 2, 2 फंदे मैं इसमें ऐसे ही बिना बने उतार लूँगी। ये देखिए, यहाँ से हम तीसरे फंदे से हमने इसमें बनाना स्टार्ट किया है। 2 फंदे हमने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिए। फर्स्ट रो से ही जब आप बनाओगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही प्यारी कली की फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, कोई भी आप इसमें अंदर कलर लगाइए, जो भी फ्रेंड्स आपके पास ज़्यादा कलर हो वो आप अंदर लगाइए। और ये 42 फंदे में फ्रेंड्स, और आगे चल के हम इस डिज़ाइन में फंदे भी बढ़ाएंगे, तो ये काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा। बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। अगर आपको पूजा का आसन वगैरह बनाना है तो आप 42 फंदे से बना लीजिए, और साड़ी और चुन्नी से तो इसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा। इसी डिज़ाइन को आप साड़ी और चुन्नी से भी बहुत ही आराम से बना सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, जो आप कोई भी कपड़े की पट्टी से आप डिज़ाइन को बना सकते हो। ये देखिए, ये जितने भी आपके पास फंदे हों, सारे ही फंदे आपने ऐसे उल्टे बना के दूसरी निडल में उतारने हैं। ये देखिए, दोनों साइड से फ्रेंड्स हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदे मैं इस साइड भी छोड़ दूंगी, 1 और 2, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट वाला उतार लेंगे, और ये सारे ही फंदे मैं इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाती हुई यहाँ तक आ जाऊँगी। ये 2 फंदे मैं नहीं बनाऊँगी फ्रेंड्स, ये 2 मैंने इस साइड से छोड़ दिए थे, तो यहाँ तक हम बनाएंगे। तो मैं इस पूरी रो को उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए, ऊपर तक आ गई हूँ मैं, इसे बनाती हुई मैं आपको दिखा दूँ आपको कैसे बनाना है। ये देखिए, ये 2 फंदे जो हमने छोड़े थे उनको हम नहीं बनाएंगे। जो जो फंदे फ्रेंड्स हम छोड़ते जाएंगे उनको हम दोबारा नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारी कली की शेप ख़राब हो जाएगी।
फिर से देखिए, एक और दो, इस साइड से हम इन फंदों को बना लेंगे और इस साइड से हम ये फिर से ये फंदे हम छोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पे चार फंदे हमारे छूट गए हैं और इस रो को मैं बनाती हुई नीचे तक लेके जाऊंगी। इसी तरीके से इसे पूरा कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, दो हमने पहले छोड़े थे, दो हमने इस बार छोड़ दिए और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। फर्स्ट वाले को उतारेंगे और ये पूरी रो मैं बना के कंप्लीट करूँगी। यहाँ तक आ जाऊँगी मैं बनाती हुई, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये हमने दो फंदे इसमें और छोड़ देंगे इस बार और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस साइड से भी दो और इस साइड से भी दो। ये देखिए, आपकी ऐसे शेप बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो दो दो फंदे छोड़ती हूँ मैं, बीच सेंटर तक आ जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से बनाना है, दो फंदे इस साइड से और दो फंदे इस साइड से छोड़ते हुए बीच तक आ जाना है। ये देखिए, दो फंदे मैंने इस बार छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए, ऊपर दो और चार, ये दो हम ये पहले हमने पहले छोड़े थे, ये चार फंदे ऊपर मेरे ये बचे हुए हैं। तो देखिए, दो हमने इस नीडल में ले लिए, इस साइड देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, 20 फंदे हमारे इस साइड हो गए। और ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 20 और दो ये फंदे 22। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब हम अपना ये दूसरा कलर मैं ऊपर लगाऊंगी। देखिए, अब तक हमारा दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा है, अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए, हमारा ये हो जाएगा। अब इसकी सीधे और उल्टे की पहचान बन जाएगी। तो बैक साइड से यहीं से मैं इसमें दूसरा कलर लगा लूँगी। आप यहाँ पे इसकी नोट भी लगा सकते हो और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। मैंने इसमें अंदर ही इसको दबा लिया है, थ्रेड को थोड़ा सा बचा हुआ, इसको भी मैं दबा दूँगी। ये देखिए, ऊपर तक सारे ही फंदे हमने बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम ये ऊपर फ्लावर बनाएंगे इसमें। ये देखिए, ये आपको कली ऐसे मुड़ी मुड़ी नज़र आएगी, लेकिन ये फ्रेंड्स मुड़ेगी नहीं। ये जैसे ये ऊपर का ये फ्लावर बनेगा तो ये अपने आप ही ऐसे खुल जाएगी। अब जैसे ऐसे कटोरी जैसी इसकी शेप आई है। तो देखिए, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसमें एक लपेट लेंगे, एक हमने फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। ध्यान से देखिए, ऊपर हम फ्रेंड्स यहाँ पे कई तरह के फ्लावर हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब दो तीन दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने यहाँ पे हार्ट की शेप बनाई थी। कोई भी आप शेप इस ऊपर वाले फ्लावर में बना सकते हो। ये देखिए, एक हमने बढ़ा लिया और दो फंदे हमने पीछे छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से इस रो को बना के मैं कंप्लीट करूँगी। फिर से देखिए, ऐसे लपेट लेंगे और हम अपना यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ा लिया है। इसी तरीके से मैं इसमें 10 फंदे बढ़ाऊँगी। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनाना है। पीछे के फंदे अभी हम नहीं छेड़ेंगे। ये ऊपर वाला ही फ्लावर हम बनाएंगे
एक फंदा ऊपर से बढ़ाएंगे और दो फंदे नीचे से छोड़ देंगे। ये देखिए, दो फंदे मैं नीचे से छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस से मुड़ जाऊंगी। तो मैं इसे बना लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, दो फंदे पीछे छोड़ देंगे, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी हमें कैसे बनाना है। इसे मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे नौ फंदे बढ़ा लिए हैं, दसवां फंदा मैं आपको दिखाऊंगी बढ़ा के। ये देखिए, लपेट लिया। सबसे आसान तरीका बताया फ्रेंड्स मैंने फंदा बढ़ाने का। दस फंदे हमारे ऊपर बढ़ गए हैं। ये देखिए, दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से मैं ये सारे फंदे बना लूँगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का फ्लावर हमारा हाफ बन गया है। फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए। जितने भी आपके पास फंदे हों उस पर हाफ फंदे रख के उस पर फ्लावर बनाया है। तो 10 फंदे देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं और दो दो करके मैंने यहाँ पे फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम ये फंदे वापस घटाएंगे। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, दो का एक कर दिया। ये देखिए, और ये सारे बड़े हुए फंदे हम बना लेंगे। और ये जो फ्रेंड्स देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये हमने दो दो करके जो फंदे छोड़े थे, अब हम इनको ऐसे एक फंदा ऊपर से घटाएंगे और दो फंदे नीचे से इसमें ऐड कर लेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये सारे फंदे मैं बना लूँगी। ये देखिए, फिर से हम इसमें दूसरा फंदा घटाएंगे, ऊपर से हमारी बहुत ही प्यारी शेप बनेगी। ये देखिए, दूसरा फंदा भी फ्रेंड्स हमने इसमें घटा लिया है। अब ये देखिए, पिछली बार हमने ये दो फंदे ऐड किए थे, अब हम ये फंदे ऐड करेंगे। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें गैप ख़त्म करना है। तो बीच में हमारा यहाँ पे होल दिखेगा, ऐसे हम इसमें देखिए फंदा उठा के गैप ख़त्म कर लेंगे। तो इसी तरीके से ऊपर से हमने एक फंदा घटाना है और यहाँ से हमने दो फंदे ऐड करने हैं। इसको मैं नीचे तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए, एक फंदा फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर बचा हुआ है। नौ फंदे मैंने यहाँ पर घटा लिए हैं। तो देखिए, दसवां फंदा भी हम यहाँ पे घटा देंगे। जितने भी फ्रेंड्स आप फंदे बढ़ाओ, उतने ही फंदे आप इसमें घटाओगे, तभी हमारा ये डिज़ाइन सही आएगा। ये देखिए, मैंने 10 फंदे बढ़ाए थे तो 10 फंदे ही मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं। फ्लावर हमारा बनके कंप्लीट हो गया। अब देखिए, दो फंदे नीचे बचे हुए हैं, उनको भी मैं इसमें इस बार ऐड कर लूँगी। और देखिए, बिल्कुल भी बीच में हमारा गैप नहीं आया है। ये देखिए, कहीं से भी, क्योंकि हमने हर बार गैप ख़त्म किया था ऐसे फंदा उठा के, ऐसे दो का एक कर देंगे। ये देखिए, पूरा फ्रेंड्स हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया है। ये हमारे देखिए नीचे कली की शेप आई है। अब हम क्या करेंगे, पलट लेंगे। ये देखिए, अगली कली की जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रेंड्स, थ्रेड हमारा इस साइड है, तो हम ये सारे फंदे इस कलर से बना लेंगे। ये देखिए,
इस फंदे को आप ऐसे थ्रेड को ऐसे टाइट कर देना। आप यहाँ पे इसके नोट भी लगा सकते हैं ताकि ये हमारा फंदा बीच में लूज ना रहे। इस तरीके से ये हमारा अब टाइट हो गया। जब आप अगला फ्लावर बनाओगे तो ये आपका थ्रेड यहीं होगा और अब हमने टाइट कर दिया तो लूज भी नहीं होगा। और ये देखिए सारे फंदे हम ये जो भी आपका कलर हो, मेरे पास ये डार्क ब्लू है तो मैंने इससे ऊपर तक सारे फंदे मैं बना लूँगी। ये देखिए पूरी रो मैंने बना ली। और इस साइड से भी फ्रेंड्स मैं ये पूरे ये सारे जो दो दो करके मैंने छोड़ रखे थे ये सारे ही फंदे मैं बना लूँगी। फिर हम अपनी अगली कली की स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए जो दो दो करके फंदे छोड़ रखे हैं यहाँ तक हमने बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें भी बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं आया है हमारा। और जो दो दो करके फंदे छोड़ रखे थे ये सारे ही फंदे हम इस रो में बना लेंगे क्योंकि अगली रो से ही हमने कली की स्टार्टिंग करनी है। बहुत ही प्यारी शेप आएगी फ्रेंड्स कली की। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाओगे तो बहुत ही सुंदर बनके कंप्लीट होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। ये देखिए ये कली हमारे बन के कम्प्लीट हो गई है। अब इसकी शेप नजर आई है, ये ऊपर हमारा ये फ्लावर बन गया है। अब देखिए फ्रेंड्स पलट लेंगे और यहीं से हम अपना फिर से दूसरी कली की स्टार्टिंग कर देंगे। तो दो फंदे मैं इस साइड ऐसे ही उतार लूँगी बिना बने। दो फंदे उतार लिए, ये पूरी रो मैं बना के कम्प्लीट करूँगी। इसे मैं बना लेती हूँ। ये देखिए दो फंदे इस साइड छोड़ दिए हैं, दो फंदे इस साइड और दो फंदे इस साइड छोड़ते हुए हम बीच सेंटर में आ जाएंगे फ्रेंड्स, जितने भी आपने फंदे डाले हैं। और फिर हम ये ऊपर अपना ये फ्लावर बना लेंगे हाफ फंदों पे। और ये देखिए इस तरीके से एक बार हम फंदे बढ़ाएंगे एक बार हम फंदे घटाएंगे। इस साइड से बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे और यहाँ से फिर जो भी आपने कलर लगाया है तो फिर हम सारे फंदे एक जैसे कर लेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे बनाती हुई कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। इसे मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बना के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी बड़ा साइज बना है, मैंने बहुत ऊपर से इसकी वीडियो बनाई है तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।